हेलो एंड वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला सो माय डियर स्टूडेंट्स आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल एंड टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ योर सेल्फ सो माय डियर स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक एक्टिव सब्जेक्ट है उसके जो यूनिट फाइव है उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन पास्ट ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं क्या एक बेसिक थीम रही है क्या एक बेसिक पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का एंड सो ऑन सो आइए देखते हैं पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया डी थीम वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चन तो देखिए स्टूडेंट्स आपकी जो यूनिट फाइव है वो आपके पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया की फाइनल यूनिट है जो कि है आइडियोलॉजी एंड पॉलिसी नेहरूवियन विजन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स देखिए जैसा इसका टॉपिक का नाम है यूनिट का नाम है उसी प्रकार इसमें से क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है नेहरूवियन विजन पर सेकंड क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पर एंड थर्ड क्वेश्चन आता है जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स होते हैं उस पर ठीक है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसमें से काफ़ी टाइम देखा गया है कि शॉर्ट नोट्स भी पूछ लिए जाते हैं सो so, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन किस प्रकार पूछा गया है एलैबरेट नेहरूवियन विजन इन पॉलिसी मेकिंग एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन इंडिया देखिए आपको इलेबोरेट करनी है नेहरूवियन विजन को इन पॉलिसी मेकिंग ठीक है एंड उस एंड डिस्कस करना है सिग्निफिकेंस इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन इंडिया क्या उसके सिग्निफिकेंस है ठीक है वो आपको यहाँ पर बताना है नेक्स्ट है ट्रेस द आइडोलॉजिकल चेंजेस इन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया फ्राम नेहरूवियन विजन टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपको यहाँ पर बताना है जो आइडोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में भारत के अंदर फ्राम नेहरूवियन विजन टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नेहरूवियन विजन से लेकर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तक जितने भी चेंजेस हुए हैं आइडोलॉजिकल चेंजेस पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया में वो आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं बताने हैं द नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑन पब्लिक पॉलिसी क्या इम्पैक्ट पड़ता है क्या प्रभाव पड़ता है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का पब्लिक पॉलिसी पर ये आपको यहाँ पर बताना है द नेक्स्ट है एनालाइज द चेंजेस एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियाज़ लिबरलाइजेशन पॉलिसी सिंस 1991 नाइन्टी देखियो देखिए 1991 से जो इंडियाज़ की जो जो इंडिया की लिबरलाइजेशन पॉलिसी रही है उसने कौन कौन से चेंजेस एंड चैलेंजेस को फेस किया है ये बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है द नेक्स्ट है एग्जाम इन द आइडियोलॉजिकल शिफ्ट इन पॉलिसी मेकिंग मेकिंग इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस देखिए आज़ादी से और अब तक जो भी आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुई है ठीक है पॉलिसी मेकिंग पॉलिसी मेकिंग में वो यहाँ पर आपको बतानी है नेक्स्ट है क्रिटिकली एग्जामिन द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1991 देखिए भारत के अंदर उन्नीस में जो लिबरल इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस की गई वो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए यहाँ पर डिस्कस करनी है बतानी है द नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑन पब्लिक पॉलिसी आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का ऑन पब्लिक पॉलिसी तो ये क्वेश्चनस पास्ट ईयर पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं इसी के साथ और क्वेश्चनस भी पूछे गए हैं जैसे कि डिस्कस द रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड हाउ ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन अफेक्टेड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया सो ये क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि ये पास्ट ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं एंड इन uh, क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए ठीक है बेसिकली अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो नेहरू विन विजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड जो लिबरलाइजेशन जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इस यूनिट को आप अच्छे प्रकार से कवर कर कर जाएँ ठीक है इसमें से बेसिकली एक शॉर्ट नोट्स एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है एंड एक जो है फुल एंड लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है सो आई होप कि आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड इसी के साथ आपकी जो पब्लिक पॉलिसी हमने थीम वाइज़ पास ट पेपर्स को बताने का प्रयास किया है उसी के साथ इस वीडियो के साथ इस सीरीज़ का भी हम इस सीरीज़ को भी हम ख़त्म करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स